so glycolysis is the breakdown of carbohydrates or glucose or sweets glycolysis occur in cytosol it produces in organisms from prokaryote to eukaryote in aerobic to anaerobic from bacteria to blue whale it produces in all sort of organisms glycolysis is or and it is the first step of cellular respiration either it is fermentation or it is going toward aerobic respiration glycolysis is the first ever process इट इज़ कंसिडर दैट इन एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले जानदार दुनिया पर तशरीफ लाए उनमें भी ग्लकॉल्सिस या इससे मिलता जुलता कोई प्रोसेस ज़रूर होता होगा ग्लाइकालसिस को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं वन इज़ ए प्रिपरेटरी फेज एंड अदर इज़ ए पे ऑफ फेज पीपरेटरी फेज को हम कह सकते हैं इट इज़ दिनर्जी इन्वेस्टमेंट और इनर्जी यूटिलाइजिंग फेज एंड पे ऑफ फेज इज़ एनर्जी रिलीजिंग फेज गाइकालसिस को समझने के लिए हम एक लेमेन एग्जाम्पल देखते हैं और उससे हम फिर सीखेंगे कि प्रिप्रेटरी फेज़ क्या है और पे ऑफ फेज़ क्या है लेट्स सपोज एक राइडर हैं जो बाइसिकल पे जा रही हैं और उनके सामने एक ओवर हेड ब्रिज आ जा जाता है जब वो उस ओवर हेड ब्रिज की तरफ आती हैं तो उनके पास दो ऑप्शन हैं यहाँ तो वो साइड से नीचे से गुजर जाएं पुल के लेकिन वो एक बहादुर लड़की उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने तो पुल से ही जाना है एंड शी स्टार्ट ए हार्ड वर्क टू रीच एट दी पीक ऑफ द ब्रिज इस ब्रिज के पीक पे पहुंचने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर दी अब इस कोशिश में वो मुसलसल कामयाबी की तरफ जा रही बड़ी मेहनत कर रही अनथक मेहनत कर रही है, है हार्ड वर्क कर रही है। अब ये सपोज दिस डिस्टेंस इज अबाउट हंड्रेड मीटर टू रीच एट टॉप ऑफ ब्रिज अब इसके बाद जब इन्होंने 100 मीटर का फासला तय कर लिया सो डेट स्टूडेंट इनको मज़ीद 100 मीटर के लिए किसी किस्म की मेहनत नहीं करनी पड़ रही आप देख रहे हैं उन्होंने पैडल का इस्तेमाल भी रोक दिया हाथ भी हवा में बुलंद कर लिए विक्ट्री का निशान भी बना लिया अब बात यहाँ तक नहीं पहुँची कि ये सिर्फ 100 मीटर का फासला तय कर रही हैं इसके बाद माइट पॉसिबल कि ये 100 मीटर फर्दर व यूजिंग एनर्जी आगे स्लोब से मूव करती चली जाए तो यहाँ तक की जो फेज थी जिसमें वो इस ब्रिज के पीक पर जा रही हैं इट इज़ कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज कल हमने ग्लाइकॉलसिस देखा और ग्लाइकॉलसिस में प्रिपरेटरी फेज देखी आज हम पे ऑफ फेज की तरफ जाएंगे हमने देखा कि ये जो बच्ची हैं या स्टूडेंट हैं गर्ल हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की पीक ऑफ द ब्रिज जाने तक इन्होंने नीचे का रास्ता नहीं अपनाया ओवरहेड ब्रिज के ऊपर पहुंच गए यहाँ तक इन्होंने मेहनत की थी जो हमने कल देखा कि किस तरह से प्रिपरेटरी फेस होती है टुडे वी लर्न हाउ शी गेट देयर रिवॉर्ड हाउ शी गेट देयर पे ऑफ यहाँ पे ग्लूकोज की हम पे ऑफ फेस को देखेंगे जिसमें हमें एनर्जी मिल रही है एनर्जी यील्डिंग स्टेप को देखेंगे और मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी यील्डिंग स्टेप को हम कहते हैं पे ऑफ फेस इन ग्लाइकोलासेस सेकंड फेज इज पे ऑफ फेस टुडे वी हैव टू लर्न व्हाट इज पे ऑफ फेस और एनर्जी यील्डिंग फेज ऑफ ग्लाइकोस द एंड रिजल्ट ऑफ रिपरेटरी फेज आर टू मॉलिक्यूल्स One is dihydroxyacetone phosphate and other is glyceraldehyde 3-phosphate. प्रिप्रेटरी फेज के एंड पर हमें दो मालिक्यूल मिले जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट हैं और ग्लाइसर एल फास्फेट हैं ये दोनों तीन तीन कार्बन के मानोसैक्राइड हैं एक एल्डो शुगर है और दूसरा कीटो शुगर है एंड दीज आर आइसोमर टू इच अदर ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी हैं यहाँ पर इनआरगेनिक फास्फेट पी आई स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक फास्टफेट दाखिल होता है दूसरा निकोटिन का, का इनजाइम इसमें दाखिल होता है और एन डी एच के तौर पर बाहर आ जाता है इट इज ए मिरर रिएक्शन ये बिल्कुल एक दूसरे की तरह के रिएक्शन है आपके आसानी के लिए मैंने दोनों दिखा दिए इनऑर्गेनिक फास्टफेट दाखिल हुआ एनएडी प्लस दाखिल हुआ और एनए डी एच निकल गया इस स्टेप की वजह से एक फास्फेट और ऐड कर दिया गया ये प्रोसेस चलेगा ग्लेसर एल डी थ्री फास्फेट से और हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा वन थ्री बिस फास्फोग्लाइसरेट अब इसके कार्बन नंबर वन और थ्री के साथ एक एक फास्फेट अटैच है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा एडीपी एडिनोसिन पी दाखिल होगा इसके कार्बन नंबर वन के फास्फेट को ले जाएगा अपने साथ एंड मेक ए हाई एनर्जी कम्पाउंड ए टी पी अडिनोसिन ट्राई फास्फेट वही मालिक्यूल है जो मैं बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे दिल का जो हार्ट बीट है वो भी इसका मरहोनी मन्नत है और आप जो सुन रहे हैं वो भी ए टी पी की वजह से हमारे जिसम में हर तरह का काम उसके लिए एनर्जी सोर्स ए टी पी हुआ करता है अडीनोसिन ट्राई फास्फेट सो वी गेट टू ए टी पी हमने दो ए टी फ़ेज में इस्तेमाल किए थे और पे ऑफ फेज़ में हमें दो ए मिल गए ये वही बात हुई कि वो जो राइडर थी जिन्होंने 100 मीटर का फासला ब्रिज पर पहुंचने के लिए एनर्जी यूज़ की थी वो एनर्जी उसको 100 मीटर बगैर साइकिल चलाए पैडल्स के इस्तेमाल के बगैर मिल गया है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फास्फेट जो पहले कार्बन नंबर थ्री पे था वो शिफ्ट हो जाएगा एट कार्बन नंबर टू एंड इट बिकम टू फास्टफो और यहाँ पर एक अहम काम वाटर रिलीज़ होगा वाटर का मालिक्यूल फास्फो टू फास्फोग्लाइसरेट से रिलीज़ हो जाएगा एंड वी गेट ए मालिक्यूल कॉल्ड एज फास्टफो इन इसको हम पी ई पी या पेपी कह सकते हैं फिर यहाँ पर दोबारा फास्फोराइलेशन होगी ए डी पी के दो मालिक्यूल दाखिल होंगे और दो ए टी पी बन जाएंगे इस तरह से हमने कुल मिलाकर दो ए की इन्वेस्टमेंट की और हमें चार ए टी पी एट द एंड मिल गए और जो हमारे पास नेट ए आया वो क्या था वो था हमारे पास टू ए टी पी दो हमने इस्तेमाल किए चार हमने प्रोड्यूस किए जो हमें गेन हुआ है हासिल हुए हैं उनकी तादाद दो ए टी पी होती है उसके अलावा एन ए डी एच हमारे पास आ गए हैं दो अदद एक एन ए डी एच सबस्टेट लेवल फॉसोरालेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता हुआ तीन ए टी पी भी बनाता है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ गेन जो है दो ए टी पी के तौर पर लेंगे एंड वी गेट ए मालिक्यूल एट दी एंड सी थ्री एच फोर ओ थ्री एंड इट इज दाइडवेट और पाइडविक एसिड एंड इट इज अबाउट हाफ ऑफ द ग्लूकोज ये ग्लूकोज के हाफ के बराबर है ग्लूकोज का फार्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स आप कहेंगे कि यहाँ पे तो अगर ये हाफ ग्लूकोज के बराबर है तो चार हाइड्रोजन गए? तो वो चार हाइड्रोजन वाटर के तौर पर यहाँ से निकल गए सो टुडे वी लर्न अबाउट वेरी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन चाहे ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अन रेस्पिरेशन हो सबसे पहले ग्ला, ग्लाइकॉलसिस हुआ करता है आज के लिए इतना ही आपकी समातों की नज़र सलाम अल्लाह हाफिज़